पेट्रोल इंजन की सरकार जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला सकते, विशेष पैकेज नहीं दिला सकते, तो फिर आखिर डबल इंजन की सरकार किस काम की है? बीजेपी का साथ छोड़िए, अब दोनों जेडीयू बीजेपी के बीच में बढ़ी हुई तलखियां इस बात का गवाह है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके इसको लेकर बीते 7 से 8 सालों से लगातार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये मांग की जा रही है। आपको बताएं कि कई बार सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया कि जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सीएम नीतीश कुमार के इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यहां तक कि उन्होंने ध्यान देने की जरूरत भी नहीं समझी। ऐसे में बड़ा बयान तब सामने आया, बड़ी सनसनी तब फैली जब जदयू के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव ने यह कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार अब पूरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि लगातार पिछले 7 से 8 सालों से सीएम नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार उनकी बात को अनसुनी कर रही है और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार चुप बैठ जाएंगे, अब वो विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं करेंगे। ऐसे में अब आरजेडी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आखिर गठबंधन में रहने का क्या ही फायदा जब आपकी बातों को इस तरह से इग्नोर किया जाता है। आपको बताएं कि मृत्युंजय तिवारी ने साफ कर दिया है कि डबल इंजन के ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, पूरी तरह से नाकाम हो गई और यही वजह है कि अब थक हार कर सीएम नीतीश कुमार भी बैठ गए हैं। लगातार विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या फिर खुद सीएम नीतीश कुमार हो, लगातार उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है और यही वजह है कि अब सीएम नीतीश कुमार भी थक हार कर बैठ चुके हैं और अब एक नया जो मौका है वो विपक्ष को मिल गया है। ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आखिर इस डबल इंजन की सरकार में रहने का क्या ही फायदा, इससे तो अच्छा यही होगा कि आप इस डबल इंजन सरकार से अपना नाता ही तोड़ दीजिए। किस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने अपनी बातें रखी है और किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है, सुनाते हैं आपको। जेडीयू के वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री बिजेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेगी। इसका मतलब है जेडीयू सत्ता के लिए बीजेपी के साथ रहेगी, लेकिन बिहार के हित की बात नहीं करेगी। फिर किस काम का डबल इंजन की सरकार, जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला सकते, विशेष पैकेज नहीं दिला सकते, विशेष राज्य का दर्जा पर बात नहीं कर सकते, जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार मांग नहीं मान रही है, तो फिर आखिर डबल इंजन की सरकार किस काम की है? बीजेपी का साथ छोड़िए, जब आप बिहार की जनता के हित की बात नहीं कर सकते, सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए आप साथ में हैं। ये अनैतिक गठबंधन है और दोनों जेडीयू बीजेपी के बीच में बढ़ी हुई तलखियां इस बात का गवाह है। लगातार पिछले कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके इसको लेकर मांग जो है वो उठाई जा रही है। केंद्र सरकार से कई बार इस पर बातचीत भी हो चुकी है, कई बार खुद सीएम नीतीश कुमार आगे आकर केंद्र सरकार से मिले, उनसे बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। वहीं कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जिसको भी आगे बढ़ाने की बातें जो है राज्य सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन कोई भी जो काम है विकास के काम वो बिहार में होते हुए नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो अब निशाने पर आ चुकी है और लाजमी भी है क्योंकि खुद एनडीए में गठबंधन में जो है वो बीजेपी है, जदयू है, लेकिन अगर खुद ही सीएम नीतीश कुमार की बात अगर बीजेपी नहीं मानेगी, केंद्र में बैठी सरकार नहीं मानेगी, तो जाहिर सी बात है जो मतभेद है वो देखने को मिलेगा और ये मतभेद खुलकर सामने भी आ रहा है।
क्योंकि जिस तरह से विजेंद्र यादव ने अपनी बातें रखी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि अब तो सीएम नीतीश कुमार भी थक चुके हैं, ऐसे में अब सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार बिहार में कर क्या रही है। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, विकास के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं या जो लगातार कई वर्षों से ये विशेष राज्य दर्जा दिलाने की जो मांग उठ रही है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में राजद की तरफ से इस डबल इंजन की सरकार पर हमले अब किए जा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं कि इससे तो बेहतर यही होगा कि सीएम नीतीश कुमार जो है बीजेपी का साथ छोड़ दे, इस गठबंधन का साथ छोड़कर चुपचाप बैठ जाएं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।